बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एडवांस रन इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग ये जो टेंस टॉपिक का एक मैंने आपको टेस्ट करवा दिया था, पार्ट वन उसका हो गया है, ये पार्ट टू हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, 25 क्वेश्चन इसमें हमें देखना है। और अगर आप लोग ने इसके पहले टेंस का वीडियो नहीं देखा तो आप टेंस का वीडियो देख लीजिए, ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट ना मिले इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर दीजिए तो आपको मैं प्लेलिस्ट भेज दूँगा। कितना आपको नाम अपना लिखना है और प्लेस आपको लिखना है तो मैं आपको ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए पूरा ए टू जेड ग्रामर तो आप इसी में एक निर्धारित शुल्क जमा करके प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन, वी डैश अवर डिनर व्हेन यू कॉल्ड, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है इसमें चार ऑप्शन मिले हैं। पहली बात तो ये श्योर हो जाइए कि यहाँ पे क्या लिखा है, कॉल्ड। कॉल्ड मतलब यहाँ पे हो रही है भी टू फॉर्म। अगर भी टू फॉर्म हो रही है तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है। दूसरी बात, पास्ट का क्या आएगा, पास्ट का आएगा यहाँ पे आ सकता है पास्ट का परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो पास्ट ऑफ द पास्ट वाला केस अगर लगे तो, लेकिन यहाँ पे भी हैड लिखा है इसलिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती तो एक बार हम सोच सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है तो ये भी आपका ऑप्शन कट गया। बचे आपके दो ऑप्शन, बचा यहाँ पे वी क्या, बी। वी के साथ वॉज लगता नहीं क्योंकि वो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया और चाहिए हमें प्लूरल ही वर्ब, तो यहाँ पे लगेगा वर, ठीक है, वर हैविंग सही ऑप्शन होगा। हु इज़ द गर्ल हु डैश यू एट द सिनेमा लास्ट नाइट। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए एक बड़ा अच्छा चीज़ मिली है, यहाँ पे लिखा है क्या, लास्ट नाइट। कभी भी किसी भी सेंटेंस में आपको मिले लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, यस्टरडे या पास्ट की कोई डेट तो आपको हमेशा भी टू फॉर्म का चेंज करना है, अर्थात आपको पास्ट का इंडेफिनिट का यूज़ करना है। तो यहाँ पे लिखा है रिकग्नाइज्ड, दिस इज़ द आंसर, ठीक है। और बाकी ये तो आपके होंगे नहीं, रिकग्नाइज भी नहीं होगा क्योंकि ये तीनों चीज़ प्रेजेंट की हमें चाहिए पास्ट में ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई कम फ्रॉम केरल, वेयर डैश यू फ्रॉम। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के हैं, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ सभी एग्जाम के क्वेश्चन हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कम, कम मतलब भीवन फॉर्म है। अगर भीवन फॉर्म है तो यहाँ भी प्रेजेंट ही होगा, क्यों पास्ट क्यों नहीं होगा, पास्ट होता अगर यहाँ पे केम होता तो ये डिड आपका कट गया, ठीक है। फ्यूचर नहीं होगा, जब प्रेजेंट की बात हो रही है तो प्रेजेंट की ही बात होगी। वेयर डू यू कम फ्रॉम, ठीक है, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम नहीं होगा। वेयर देखिए क्योंकि यहाँ पे सिंपल चल रहा है तो इधर भी सिंपल ही आएगा, ठीक है। तो आई कम फ्रॉम केरल, मैं केरल से आता हूँ, तुम कहाँ से आते हो, तो वेयर डू यू कम फ्रॉम, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है, डू यू कम, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है, ये चार पार्ट दिए हैं, इसमें किसमें एरर है, ठीक है, इसमें किसमें एरर है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, अगर ये किसी से नहीं बनाना तो मान लीजिए कि आपको इंग्लिश पढ़नी नहीं चाहिए, इतना इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। और ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, ठीक है, 2016 SI का पेपर है, सितंबर में पेपर हुआ था 2016 में, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पे, ही हैव लिखा है, हैव नहीं होता भैया, ही के साथ क्या लगता है, हैज। ही सिंगुलर आपका प्रोनाउन है और उसके साथ सिंगुलर ही बनवानी चाहिए, मतलब हैज, हैव वहाँ पे गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम्स अराइजेस इफ द पेरेंट्स अप्रोच टू डिसिप्लिन इन इनोसेंट इनकंसिस्टेंस, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, ये भी अगेन, ये जितने भी क्वेश्चन है कोई भी मैंने अपने से नहीं बनाया है, सभी क्वेश्चन एग्जाम के हैं, ठीक है। प्रॉब्लम अराइजेस, अब देखिए यहाँ पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया है, प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स मतलब क्या हुआ, प्लूरल नाउन, ठीक है, और इसके साथ आनी क्या चाहिए, प्लूरल वर्ब। और यहाँ पे क्या लिखा है, अराइजेस, अराइजेस जो है सिंगुलर वर्ब है, अगर किसी भी वर्ब में एस लगा दिया जाए तो वो क्या हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है, जैसे गो होता है, जैसे ही है तो ही गो गलत है ना, ही क्या हुआ, गोज, यस यस लगा दिया तो वो सिंगुलर बन गई, ही के अकॉर्डिंग बन गई। उसी तरह अगर प्लूरल है, जैसे कि मान लीजिए लिखा है यू, तो यू के साथ क्या लगता है, गो, बिना एस वाला, उसी प्रकार यहाँ पे प्रॉब्लम प्लूरल नाउन है तो यहाँ पे हमें प्लूरल ही वर्ब चाहिए, और प्लूरल वर्ब कौन सी होगी जिसमें एस नहीं है, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 31 क्वेश्चन है, इट हैव बीन रेनिंग कंटिन्यूसली फॉर द लास्ट वन वीक। अब देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इसमें उम्मीद है कि आप लोग से ये बन भी जाना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया है किसी भी सेंटेंस में आ जाए लास्ट
वीक, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट सीजन, लास्ट ईयर, तो आपको चले जाना है सीधे पास्ट के इनडेफिनिट टेंस में। और पास्ट का इनडेफिनिट होता है इट के साथ लगना चाहिए क्या आपका हैड, ठीक है, इट हैड। और हमें चाहिए क्या, इनडेफिनिट चाहिए ना, मतलब रेन को आप रेन कर सकते हैं, ठीक है, या रेन कर सकते हैं भी टू फॉर्म में, तो हैड नहीं आएगा, फिर रेन्ड बस होगा, ठीक है। तो इट रेन्ड कंटिन्यूसली फॉर द लास्ट वन वीक, तो राइट आंसर कौन सा होगा आपका, अगेन ए ऑप्शन, ठीक है, पास्ट इनडेफिनिट। If he will ask me for help, I will definitely help him, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसको मैंने बड़े अच्छे से बताया था, ये एक्चुअली जो क्वेश्चन है ये कंडीशनल सेंटेंस का क्वेश्चन है। कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है कि एक शब्द को देख करके दूसरे शब्द को लगाना होता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया इफ़ ही, तो यहाँ पे अब बिल नहीं आएगा। देखिए ध्यान रखिएगा, कभी भी इसको अगर आप ज़्यादा जानकारी अच्छे से जानना चाहते हैं, तो चार प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, इन चारों प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस को आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसका वीडियो सेपरेट अपलोडेड है, वो देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कभी भी जिस भी सेंटेंस में इफ़ हो, अनलेस हो, ठीक है, अनटिल हो, उस सेंटेंस में बिल फ्यूचर की कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, ठीक है, और उसके अपोजिट वाले में पक्का रहती है। जैसे इसमें आई विल डेफिनेटली हेल्प हिम लिखा है ना, तो ये जरूर होती है, ठीक है, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ही डजेंट स्पेंड मच टाइम विथ हिज फैमिली बिकॉज हिज कैरियर इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन हिज लाइफ। अब देखिए ये क्वेश्चन है 33, बड़े आसानी समझिएगा। यहाँ पे फिर से गलती कर दी इन्होंने, क्या किया कि ही लिखा, बहुत सही किया, डजेंट लिखा, बिल्कुल सही किया कि ही के साथ डज ही लगता है, ही सी नेम सिंगुलर नाउन के साथ डज ही लगता है, वो बिल्कुल सही किया। लेकिन जब डज लगता है ना, तो वर्ब के साथ यस यस नहीं लगता है, मतलब ऑप्शन आपका यहाँ पे होना चाहिए स्पेंड, जबकि कर क्या दिया स्पेंड, तो स्पेंड्स, तो वो गलत है, ठीक है, तो स्पेंड यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अगर डजेंट नहीं होता तो स्पेंड सही था फिर। Until the train will not get the signal. अब देखिए ये क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको जस्ट बताया है कि जो कंडीशनल सेंटेंस चार प्रकार के होते हैं, ये तीसरे नंबर का कंडीशनल सेंटेंस, सेकेंड नंबर का कंडीशनल सेंटेंस है। कभी भी जिस सेंटेंस में until आए, unless आए, if आए, ठीक है, as soon as आए, उस सेंटेंस में बिल का प्रयोग नहीं होता। यहाँ पे बिल का प्रयोग किया है वो गलत है, यहाँ पे होना चाहिए डज का प्रयोग, डज नॉट गेट द सिग्नल, आई विल नॉट लीव द प्लेटफॉर्म, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका अगेन ए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ही हैज़ बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस 2 आवर, ठीक है। अब ये टेंस का बहुत शानदार क्वेश्चन है, फिर से मैं बोलूँगा ये सेंटेंस वही है, अगर आपसे बन जाता है तो बहुत अच्छा, अगर आपसे नहीं बन रहा तो मतलब आपको इंग्लिश में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वीकनेस है। कैसे, तो यहाँ पे ये सेंटेंस चल रहा है प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में क्या होता है, सबसे बड़ी बात, सिंस फॉर आता है। सिंस फॉर कभी भी आए तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे है क्या, टू आवर अगर है, टू आवर है, टू डे है, टू ईयर है, टू मंथ है, तो यहाँ पे ये अनिश्चित कहलाते हैं। जैसे 2 घंटे, कौन से 2 घंटे, ये 2 बजे से 4 बजे वाले 2 घंटे हैं, ये 4 बजे से 6 बजे वाले 2 घंटे, मतलब ये अनिश्चित समय है, अनिश्चित समय के साथ लगता है भैया फॉर, तो यहाँ पे सिंस नहीं, फॉर का प्रयोग होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं टेंस का, वहाँ पे मैंने विधिवत कराया है। और आगामी आपको बता दूँ, मैं टेंस और वॉइस और नरेशन के टेस्ट पेपर जल्द ही आपको मैं लाने वाला हूँ, ठीक है, उसकी PDF मैं आगामी आप लोग को उपलब्ध करा दूंगा आपके ग्रुप में, देन उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। ड्रिंक यू मेडिसिन यू डैश मच बेटर। अब ध्यान दीजिए, ड्रिंक यू मेडिसिन, दवाई को क्या कीजिए, पीजिए, यू डैश मच बेटर, अगर आप दवाई पियेंगे तो कैसा महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे, करेंगे कि करोगे, करेंगे कि करते हो, ठीक है, तो जब दवाई तुम पियोगे तो अच्छा महसूस करोगे, और अच्छा महसूस करोगे मतलब सेंटेंस कहाँ ले जा रहा है, आपको फ्यूचर में ले जा रहा है। जैसे आज आप पढ़ाई करोगे तब कल अच्छी नौकरी करोगे, आज आप अच्छी पढ़ाई करोगे तो कल अच्छा बिजनेस करोगे, आज आप अच्छी पढ़ाई करोगे तो कल अच्छा पैसा कमाओगे, ठीक है, तो ये भविष्य की बात जब आ जाती है तो यहाँ पे क्या लगता है भैया, बिल फेल, बिल लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बिल हैव क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि वो कर चुके होगे, ऐसा हो जाता है, तो फिर वो गलत है, ठीक है, मतलब वो आपको फ्यूचर परफेक्ट मिल जा रहा है जो कि गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द फिल्म हैज़ स्टार्टेड बिफोर बी रीच द सिनेमा हॉल. ठीक है, अब ये क्वेश्चन है द फिल्म हैज़ स्टार्टेड बिफोर वी रीच द सिनेमा हॉल. अब ध्यान अगर आप दें, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक बार में समझा दूंगा. ये अगेन कंडीशनल सेंटेंस का है. सेंटेंस यहाँ पे बिफोर का प्रयोग हुआ है अनटिल इफ अनलेस एज सून एज की जगह पे. बिफोर का यूज हुआ है बी रीच द सिनेमा हॉल, मतलब इसके साथ आपको किसका प्रयोग हुआ है, वी टू फॉर्म का. बी के साथ किसका फॉर्म प्रयोग हुआ है, वी टू फॉर्म का. तो अगर आपने कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए जब यहाँ पे वी टू फॉर्म का प्रयोग हो रहा है तो इसके दूसरे वाले सेंटेंस में किसका प्रयोग होगा, बिल का प्रयोग होगा. ठीक है, इस वाले में बिल का प्रयोग नहीं होगा जिसमें बिफोर लगा हुआ है, क्योंकि बिफोर का जो क्लॉज है वो ये पूरा क्लॉज है. ठीक है, तो यहाँ पे बिल का प्रयोग होगा. तो जब बिल का प्रयोग होता, अगर यहाँ पे रीच होता, अब यहाँ पे रीच्ड है तो यहाँ पे प्रयोग होगा भैया वुड का बिल के जगह पे, लेकिन स्टार्टेड नहीं होगा, स्टार्ट होगा, क्योंकि वुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. ध्यान दीजिएगा, ये कंडीशन नंबर 3 है, 3 कंडीशन का क्वेश्चन आया है. ठीक है, यहाँ पे बिफोर की जगह इफ अनलेस एज सून एज कुछ भी हो सकता है. इफ आई वन अ मिलियन डॉलर आई वुड हैव स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ माई ओन. ठीक है, अब इफ आई बॉर्न वन अ मिलियन डॉलर. अब देखिए, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में, ये भी कंडीशनल सेंटेंस का ही सेंटेंस है. अगर आप ध्यान देंगे, लिखा है क्या, इफ आई वन, वन मतलब हुआ है यहाँ पे भैया वी टू फॉर्म, जैसा अभी अपन ने देखा था यहाँ पे इफ की जगह पे बिफोर आ गया था, यहाँ पे इफ आया, तो यहाँ पे वी टू फॉर्म आया है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. क्या बताया था अभी मैंने, बताया जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में. तो यहाँ पे भैया हैव क्या कर रहा है, यही गलत है. वुड हैव स्टार्ट होना चाहिए, वुड सॉरी आई वुड स्टार्ट होना चाहिए, हैव यहाँ पे गलत है, यही आपका बी ऑप्शन गलत हुआ. इसका आंसर क्या है आपका, बी ऑप्शन इज रॉन्ग आंसर. ठीक है, आई डैश विथ माई फादर लास्ट नाइट. ठीक है, आई डैश विथ माई फादर लास्ट नाइट, टॉक स्पीक स्पोक हैव टॉक. ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कौन सा आंसर आपका सही होगा. ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगेन देखिए क्या मिला, लास्ट नाइट. मैंने आपको अभी क्वेश्चन बताया था ना, जब कभी आपको लास्ट नाइट मिले, लास्ट मंथ मिले, लास्ट डे मिले, लास्ट ईयर मिले, आपको सीधे वी टू फॉर्म का प्रयोग करना है, कुछ नहीं सोचना. ये देखिए वी टू फॉर्म है, स्पोक लिख दीजिए, आंसर आपका सही हो जाएगा. ठीक है, इसी तरह अगर आपको आराम से पढ़ना है, अच्छी चीज़ें पढ़ना है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अपने दोस्तों को भेज देना है जिससे वो भी पढ़ पाएँ, और कुछ सर का भी फ़ायदा हो जाए इस चक्कर में. ठीक है, आप लोग सर का फ़ायदा नहीं करवाते हैं, मतलब चैनल को वीडियो देख के चले जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब तक नहीं करते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं, 40 क्वेश्चन पे चलते हैं. एवरी सैटरडे द क्लास डैश ऑन द 10th फ्लोर. एवरी सैटरडे द क्लास डैश ऑन द 10th फ्लोर. ठीक है, एवरी सैटरडे द, देखिए अब यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या मिला, एक क्लू वर्ड एवरी सैटरडे. जब कभी आपको सेंटेंस में एवरी सैटरडे, एवरी मंडे, एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी डे कुछ भी मिले इस तरह का, एवरी लगा हो, इसका मतलब होता है कोई चीज़ रेगुलर हो रही है, वो हमेशा प्रेजेंट के इनडेफिनिट में होती है. पहले टेंस का पहला वीडियो, पहले वीडियो का पहला ही रूल ये मैंने आपको लिखाया हुआ है. ठीक है, यहाँ पे आएगा क्या, पास्ट इंडेफिनिट है तो मीट्स. अब यहाँ पे दो चीज़ पास्ट के लिखे हुए हैं, बिल एक फ्यूचर का है वो कट गया, प्रेजेंट आपका मेट है आपका पास्ट वो कट गया. प्रेजेंट के दो हैं, मीट और मीट्स. ध्यान दीजिएगा, द क्लास, क्लास कैसा है, क्लास सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, एक्चुअली है ये कलेक्टिव नाउन लेकिन यूज कैसा होता है, काउंटेबल सिंगुलर नाउन. जैसे क्लासेस हो जाता तो प्लूरल हो जाता, क्लास है तो मीट्स लगेगा, अगर यहाँ पे क्लासेस होता तो यहाँ पे मीट लगता. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. आई प्रोमिस डैट आई डैश टू वर्क ऑन टाइम एवरी मॉर्निंग. देखिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, और अगर आपको अभी ध्यान हो जस्ट कुछ समय पहले ही, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एवरी मॉर्निंग लिखा है, अगर यहाँ पे सेंटेंस ख़त्म होता तो यहाँ पे ऑप्शन गेट होता, लेकिन क्या बोल दिया यहाँ पे, इन द फ्यूचर. किसकी बात कर रहा है, आई प्रोमिस, मैं तुमसे प्रोमिस करता हूँ, वादा करता हूँ क्या, डैट आई डैश टू वर्क ऑन टाइम एवरी मॉर्निंग इन द फ्यूचर. फ्यूचर में हर दिन मैं सुबह तुम्हारा कार्य कर दूंगा समय पर. तो यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है इसलिए विल गेट लगेगा, अगर यहीं पे सेंटेंस खत्म होता तो गेट आंसर होता. ठीक है, ऑप्शन इसका क्या हुआ, इन द फ्यूचर के कारण विल गेट. ठीक है,
आगे चलते हैं, देवी सज्जनों, व्हेन एवर आई डैश हिम ही मेक्स रूड मार्क्स अबाउट हिम। अब ये देखिए, ये फिर से एक आपको रूल क्लू वर्ड मिल गया। यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन एवर समटाइम्स समथिंग, इस तरह के कोई भी सेंटेंस आपको मिलते हैं, व्हेन एवर एवर, ठीक है, और आपको जो मैंने आपको ऊपर बताया अभी, उस तरह की जितने भी चीज़ें मिलती हैं, एवरी मॉर्निंग एवरी डे, ये सभी चीज़ें होती हैं, नेवर सेल्डम, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में लगती हैं, और प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, सी, क्योंकि प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या यस या ईएस वाली फॉर्म लगती है, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी क्योंकि यहाँ पे लिखा है आई, ठीक है। आगे चलते हैं, आई डैश ऑल माई वर्क एंड सो आई एम फ्री अंटिल मंडे। अब देखिए, फिर से एक बड़ा अच्छा क्लू आया है, और अगर आप लोगों को क्लू पहचानने में दिक्कत हो रही है तो ये गलत बात है, और बड़ा आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या मिला, आई डैश ऑल माई वर्क, मैंने सभी कार्य कर लिए हैं, ठीक है, कर लिए हैं, ध्यान दीजिएगा, एंड सो आई एम फ्री अंटिल मंडे, तो मैं मंडे तक फ्री हूँ। अब इसका थोड़ा अर्थ निकालिए, मैं सभी काम कर चुका हूँ, मैं सभी काम अपना कर चुका हूँ, इसलिए, और सो इसलिए आई एम फ्री अंटिल मंडे, और मैं इसीलिए मंडे तक फ्री हूँ, ये क्या है, कर चुके हैं, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे रखिएगा, एम लगा है मतलब पास्ट तो नहीं आएगा, तो ये पास्ट कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे बोल क्या रहा है, मैं अभी अपना क्या, अगर आप आई एम डूइंग लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं मंडे तक फ्री हूँ, तो ये गलत है, मैं अपना काम कर चुका हूँ मतलब हैव डन इज द राइट आंसर। ही हेयर इन 1995, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है देवियों सज्जनों, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ही के और हेयर के बीच में एक फ्लिंग द ब्लैंक्स है, क्वेश्चन मतलब ऐसा है, ही डैश हेयर इन 1955, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अगर आपको आंसर भरना है तो आपको सिंपल सी बात है कि 1955 जो है ये भूतकाल की बात है, वर्तमान की बात है या भविष्य की बात है, तो आप कहेंगे सर ये तो भूतकाल की बात है, और अगर ये भूतकाल की बात है तो आपको भूत वाला ही क्या लगाना पड़ेगा बंधुओं, उत्तर लगाना पड़ेगा, तो ये भैया वर्तमान काल का ऑप्शन दिया है, ये भी वर्तमान का है, ये भी वर्तमान का, एक ही भूतकाल का ऑप्शन दिया है वर्क, क्योंकि ये V2 फॉर्म है और यही पास्ट के इंडेफिनिट में लगती है, हैज़ इज़ वर्क्स, ये सब प्रेजेंट के हैं, ठीक है। आप लोग को उम्मीद है अच्छा समझ में आ रहा होगा देवी सज्जनों, मेरी भाषा को आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि मैं जो भाषा बोलता हूँ अपने घर गांव वाली भाषा बोलता हूँ, अपनी बघेली भाषा का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करता हूँ, अगर कहें तो मैं आपको एक क्वेश्चन बघेली में पढ़ के बताता हूँ, ठीक है। जैसे लिखा है देखा है माँ, आई एम सॉरी अबाउट दिस नॉइज यू हेयर सी डैश फॉर अ कंसर्ट, ठीक है। इसमें एमा का कहा लग है कि आई एम सॉरी, मतलब मैं सॉरी हूँ, काहे के लिए भैया, अबाउट दिस नॉइस, ये जो आवाज़ आ रही है इसके लिए मैं सॉरी हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, यू हेयर, तुम्हें जो यहाँ पे आवाज़ आ रही है इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, सी डैश फॉर अ कंसर्ट, ये जो कॉन्सर्ट का क्या हो रहा है, प्रैक्टिस हो रही है ना, ये प्रैक्टिस से जो आवाज़ आ रही है ना, तो उससे जो आपको क्या हो रहा, नुकसान हो रहा है या आपको नॉइस हो रहा है, हल्ला हो रहा है, उससे मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, ठीक है, थोड़ा पढ़ाने में बघेली लैंग्वेज उतना अच्छा आता नहीं है, लेकिन आप लोग को मैं बताने का प्रयास करूँगा। देखा बघेली में फिर से क्वेश्चन, देखा ही इफ़ वी विल कैच, अब देखिए देखा हम तो लेकिन कहे रहन का कहन था कि बिल ना आवे चाहिए, ठीक है, देखा इंटे का आएगा बिल, ठीक है। अब बिल जब आएगा, हम बताएं थे कि जब इफ़ वाला सेंटेंस होता है वहाँ बिल के प्रयोग नहीं होता है, अगर बिल के प्रयोग नहीं होता है तो इंटे बिल का करल लाग है, एक हटा दे, अब सीधे सेंटेंस तो वहाँ सही हो जाई, या बिल हटी इंटे कैच रही, सही सेंटेंस है, दूसरे वाले में बिल पक्का हुई, बिल है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए मायरर है, ठीक है। उम्मीद करी थी कि तो वहीं भेजेंगे सबका समझ में आवा हो, अगर समझ में आवा है तो चैनल का सब्सक्राइब कर दी है, लाइक कर दिया है वीडियो का, या जो चैनल या जो मोबाइल नंबर है इसमें एमा ऐड हो जाए, एमा व्हाट्सअप चला था, क्या करे है, नाव लिखे का है, कहाँ के आ है तू, है ना, या प्लेस लिखे का है,
ता हम तुम्हें ग्रुप में ऐड कर दे, ठीक है। एमा तुम्हें हम कुछ बहुत सारी वीडियो भेज दे जो हम टेंस वंस पढ़ाए हैं, प्रीपोजिशन नाउन आर्टिकल ये सब पढ़ाए हैं, सबके हम वीडियो भेज दे तुम्हें देख ली है। कुछ PDF तुम्हें भेज दे, अगर तुम्हें PDF चाहिए मतलब नोट्स चाहिए पूरे ग्रामर के, तो तू नोट्स हमी यह नंबर और मैसेज कहीं के मांग सकते हैं, ठीक है। आज का वीडियो मैं इतना रखी थे, मिली थे अगले वीडियो में, धन्यवाद।